इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा, एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला, 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं, 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्यों? क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को, मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है।